वो क्या है, आयरलैंड से क्या है, आयरलैंड से है, आयरलैंड की ट्रिक है, नीति निर्वाचक आया, आपस सेवा साहित्य कला, साहित्य कौमा कला का मनोनयन करके गया। देखो आपात सेवा साहित्य कला का मनोनयन करे, मतलब दिमाग में क्या रखना आपको, नीति निर्वाचक है, नीति निर्वाचक कौन है हमारे देश में, इलेक्शन कमीशन, तो जो निर्वाचन कराता है, ठीक है, निर्वाचन करने के लिए नीतियां बनाता है, तो किस तरह इलेक्शन होने हैं वगैरह वगैरह, तो नीति निर्वाचक आया, आजकल आ रहा है अपने देश में, है ना, निर्वाचन मंडल बेचारा परेशान है, क्या है, आपात में है बेचारा, क्यों है, क्योंकि कई पार्टियां कह रही है कि ईवीएम से वोटिंग ठीक नहीं हो रही है, वोट केवल बीजेपी को जा रहा है ना, कोई कह रहा है कुछ है, कोई कह रहा है बैलेट पेपर अच्छा है, कोई कह रहा है ईवीएम अच्छा नहीं है, तो ये सारा मसला अपने देश में चल रहा है, तो इसमें नीति निर्वाचक आया बेचारा, इलेक्शन कमीशन आया और क्या लाया, आपात सेवा, किसके लिए, विपक्षी पार्टियों के लिए, आपात सेवा लाया, साहित्य लाया, कला लाया, ठीक है, साहित्य आपात सेवा साहित्य कला, और इनका सबका क्या करके गया, मनोनयन करके गया, फिर इलेक्शन कमीशन को इनका मनोनयन करना पड़ा, ठीक है, इनको मनाना पड़ा या इनको नियुक्त करना पड़ा बाद में कि ठीक है भाई जो आप कहते हो, ठीक है, पहले क्या लाया, नीति निर्वाचक आया, पहले आपात सेवा लाया और साथ में साहित्य कला का मनोनयन करके गया, तो साहित्य कला वाले लोग थे कौन से, इंटॉलरेंस गैंग, तो इंटॉलरेंस गैंग का वो क्या करके गया, मनोनयन करके गया, मेरी बात को समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ, इंटॉलरेंस गैंग कौन है अपने देश में, मतलब समझ लीजिए वो सारे आयरलैंड वाले हैं, आपात सेवा साहित्य कला वाले हैं वो सारे, ठीक है, और ये सब कहाँ से किसके ऊपर थोप रहे हो, निर्वाचक मंडल के अंदर, तो देखो आयरलैंड से क्या लिया गया, नीति निर्वाचक, सबसे पहले नीति, नीति का मतलब है नीति निदेशक तत्व, ठीक है, नीति निदेशक तत्व, ठीक है कि नहीं, और फिर है दूसरा निर्वाचक, देखो भाई निर्वाचक कौन है, निर्वाचन की व्यवस्था किसकी, राष्ट्रपति के, तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, मंडल की व्यवस्था, ये भी कहाँ से लाए हैं, आयरलैंड से लाए हैं, ठीक है, नीति निर्वाचक आया, आया का मतलब क्या है यहाँ पर, आया का मतलब है आयरलैंड, आयरलैंड, ठीक है, और आपात, आपात का मतलब क्या है, देखो आपातकालीन उपबन, आपातकालीन उपबन, ये भी आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है, आपातकालीन, आपात सेवा का मतलब आपातकालीन उपबन, ठीक है, सॉरी आपात केवल, अब सेवा का मतलब क्या है, सेवा का मतलब सेवा ही है, किसकी सेवा, समाज सेवा, समाज सेवा करते हैं कई लोग अपने देश में भी, ये सारी जो प्रोसेस है ये भी संविधान में लिखी गई है कि आप समाज सेवा किस तरह करेंगे, तो ये समाज सेवा के प्रोसेस भी आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है, फिर है साहित्य, साहित्य का मतलब साहित्य है, ठीक है, कला का मतलब कला है, कला है, समाज सेवा साहित्य और कला, अब जो यहाँ पे मनोनयन है, मनोनयन देख रहे हो, साहित्य कला और मनोनयन करके गया, तो करके गया मतलब निर्वाचक मंडल मनोनयन करके गया इन लोगों का, तो ये देखो यहाँ पे कौन कौन है, ये समाज सेवी, समाज सेवा साहित्य, ठीक है, कला में जो लोग हैं उनको मनोनयन करने की व्यवस्था जो है वो आयरलैंड से ली गई, तो इन क्षेत्रों में समाज सेवा साहित्य और कला के क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त, व्यक्तियों का मनोनयन, इसकी व्यवस्था भी कहाँ से ली गई है, आयरलैंड से ली गई है, तो ये तो थी आयरलैंड की ट्रिक,
अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक पे। बहुत आसान है इसको याद करना, इजीली, बिल्कुल इजीली।